चंडीगढ़ शहर की पहचान बनते जा रहे बर्ड पार्क में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वीरवार को नए इको फ्रेंडली शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस शौचालय का उद्घाटन प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ फॉरेस्ट रेंज के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंडीगढ़ देवेंद्र दलाई ने बताया कि बर्ड पार्क में पहले एंट्री गेट के पास ही शौचालय बने हुए थे, परंतु सेनानी एक या दो घंटे पार्क में व्यतीत करने के बाद ही बाहर के शौचालय को उपयोग कर पाते थे। लेकिन इस सब के बीच में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इस सब को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ये कदम उठाया। सर, आज जो शौचालय का उद्घाटन किया है, इसमें क्या खासियत है जो पता लगा कि कंक्रीट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें? नहीं, खासियत तो फर्स्ट खासियत ये है कि हमारा एंट्री पॉइंट में वॉशरूम थे जी। जो विजिटर्स जाते थे उनको एंट्री में टॉयलेट फैसिलिटी था, लेकिन ऐसा होता है लोग जब एक दो घंटा घूमने के बाद एग्जिट करते हैं तो उनको वहाँ पे एक फैसिलिटी चाहिए होता है। बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, तो ये बड़ा एक प्रेसिंग डिमांड था फ्रॉम द विजिटर्स। तो उसको हम सॉल्व करते हुए आज हम लोगों ने बहुत सुंदर एक वॉशरूम बनाया जो कैंटीन के साथ ही, एग्जिट पॉइंट के साथ ही है, तो लोग फैसिलिटी को। इसमें सर जो हमें पता लगा कि कहीं भी कंक्रीट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रॉपर इसको इको फ्रेंडली बनाया गया जी। बिल्कुल, आप देखोगे जितना भी स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे बना रहे हैं बर्ड पार्क में, एक तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का हमारा एवियरी है, और उसके बाद भी जो जो स्ट्रक्चर्स हमारा बन रहा है तो वी टेक केयर, इसमें हम कंक्रीट यूज़ नहीं करेंगे। तो एक मैसेज भी सोसाइटी के लिए होता है कि नेचर के साथ कैसे आप जुड़े रह सकते हो, और आपके पास सारा फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है। जैसे सर, अब चंडीगढ़ की एक पहचान बन गई है बर्ड पार्क, मतलब दूर से लोग देखने आते हैं, तो अभी हम कुछ एक्सटेंशन भी करना चाह रहे हैं, कुछ और बर्ड्स भी लाने जा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है, वी आर डीलिंग विद द लिविंग बींग, इसको जब तक डायनेमिक नहीं बनाएंगे तब तक इसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा नहीं। तो हमारा प्लान है, ये तो जस्ट 1 ईयर ओल्ड, इफ़ यू सी सिंगापुर पार्क, दैट इज़ 50 ईयर्स ओल्ड पार्क। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहेंगे एंड इसको इंटरेस्टिंग बनाते ही रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।